नमस्कार। मैं आपको बताता चलूं कि हम जो है अभी भवानी जो नुशारा की पंचायत भवानी है और यहाँ के जो है सरपंच साहब हैं, ये हमेशा जो है वो एक सुर्खियों में भी रहते हैं और एक हार्ड वर्कर भी हैं ये, और सोशल वर्कर भी हैं ये। अपने आप में जो है एक बड़ी सरपंचों के अंदर पहचान बने हुए हैं और इनसे हमने सोचा कि आज इनसे बात करते हैं कि इन्होंने अपनी पंचायत की जो डेवलपमेंट की है बहुत अच्छी और जानी पहचानी पंचायतों में से एक पंचायत भवानी भी है, जहाँ जे अपनी पंचायत के लिए हमेशा जो है ऑफिसरों के साथ जो है वो किसी भी किस्म की रियायत नहीं बरतते हैं और ऑफिसरों से यही कहते हैं कि हम लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, हमने लोगों की सेवा करनी है और जिस सेवा के लिए हमने लोगों ने चुना है उसके लिए हमें चाहे दिन पर रात एक करनी पड़े, हम लोगों की सेवा के लिए ही खड़े हुए थे और लोगों की सेवा ही करेंगे। और ये इनका एक बहुत बड़ा एक मिशन है कि हमने 5 साल लोगों की सेवा करनी है। हम जानना चाहेंगे इनसे कि सरपंच साहब ने जो बैंकर बनवाए हैं इस एरिया में, जो बैंकर बने हैं उनकी क्या कंडीशन है। जहाँ तक देखा जाए लोगों की सबसे बड़ी यही कंप्लेंट है कि हमारे बैंकर जो है वो ठीक नहीं बने हैं। जो जीवन रक्षा के लिए बैंकर बनाए थे, ये सीमावर्ती एरिया है और यहाँ आए दिन जो है फायरिंग होती ही रहती है और एक मात्र लोगों का जो है एक सहारा अगर है तो वो एक सिर्फ बैंकर है। नमस्कार सरपंच साहब, हमारे चैनल में जुड़ने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले मैं जेके न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ जो इस सीमांत क्षेत्र में आकर हमारे लोगों की बात सुनने के लिए आए और ये प्रशासन तक पहुँचाने की कोशिश की है। मैं आपका तहे दिल से अपनी पंचायत की ओर से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि आपने बंकरों की बात की, ये जो बंकर हैं एक युद्ध स्तर पर हमारे इस बॉर्डर एरिया पर बनने शुरू हुए, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है पता नहीं किसी सियासी वजह से या किसी एडमिनिस्ट्रेशन की पर्सनल उसके वजह से मुझे सिर्फ और सिर्फ 45 बंकर यहाँ पे दिए गए और जो 45 बंकर मुझे दिए गए उनमें से 30 जो थे ब्लॉक ये जो हमारा ब्लॉक ऑफिस है इन्होंने बनवाए और वो उनकी कंडीशन ए क्लास है और जो PWD के बंकर हैं वो हमें बिना पूछे हमारी उसमें कोई हमारे से कोई राय नहीं ली गई, कोई कुछ नहीं। वो उन बंकरों में हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं पानी है, लेकिन फिर भी उस कदर नहीं है। हमने हमारे लोगों को हमने कहा था कि जो जिस क्वालिटी में होना चाहिए वो बनना चाहिए, वो क्वालिटी हमारी पंचायत में बंकरों की है। और मैं इसके साथ साथ प्रशासन से ये गुजारिश करता हूँ, बार बार गुजारिश करता आया हूँ कि मेरी पंचायत में 520 फैमिली हैं जिसमें मुझे बंकर दिए जाए। और सबसे ज़्यादा जो हमारा खतरनाक एरिया ये जो बॉर्डर के साथ जो रोड के ऊपर वाली साइड का एरिया है, 3 वार्डे हैं, इनमें सबसे पहले दिए जाए। लेकिन DC साहब के आगे हमने गुहार लगाई अभी जब दशहरा में दरबार लगाया, लेकिन उन्होंने भी टोटल और टोटल 10 बंकर नहीं दिए। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से DC साहब को ये बताना चाहता हूँ कि मुझे जल्द से जल्द जो बाकी हमारे बंकर बचे हैं 275 की जो लिस्ट भेजी है वो जल्द से जल्द हमारे सब लोगों को वो बंकर मिलने चाहिए। जहाँ तक बात करें कि आजकल जो है एक और भी जो है सुनने में आ रहा है और न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप भी सुन रहे होंगे कि बॉर्डर के ऊपर सीज फायर जो है वो जो है घोषित कर दिया गया है कि बॉर्डर के ऊपर सीज फायर हुआ है, तो इससे जो है आप क्या समझते हैं कि ये एक सुविधाजनक लोगों के लिए है या कोई इसके लिए भी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे बॉर्डर के लोग कभी नहीं चाहते कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरहदों पे ये तनाव का जो सिस्टम है ये बना रहे। हमने हमेशा कोई भी सरकार हुई है उससे यही गुहार लगाई है कि हमारे बॉर्डरों पे शांति रखी जाए। हमारे जितने भी बॉर्डरों पे ये आतंक मचा हुआ है, इतनी जोरदार फायरिंग होती है, उसमें जो ये लोग भाषण देते हैं जम्मू से या दिल्ली से, वो उनमें से उनका एक बच्चा भी यहाँ नहीं रहता। ये हम लोग सहन करते हैं, चाहे
इस पार के हैं चाहे उस पार के, हमारे लोगों के आशियाने उजड़ चुके हैं, हमारे ऐसे ऐसे गरीब परिवार हैं जिन्होंने तिनका तिनका जोड़ के अपने मकान बनाए थे, लेकिन उनके मकानों पे मकान उड़ गए, उनका जो व्यवसाय था मवेशी पालना वो मवेशी सारे के सारे मर गए, लेकिन हमारे लोगों का दुख दर्द, मैं खुद उस चीज़ से जूझा हूँ और मैं 2 साल तक स्कूल नहीं गया, और ये चीज़ हमारे बॉर्डर के बच्चों के साथ आए दिन, क्या हमारे इस बॉर्डर से कोई IAS कोई जो है KS नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, क्यों नहीं है? उसका कारण ये नहीं है हमारे बच्चों के में कोई काबिलियत नहीं है, सब कुछ है, लेकिन 6 महीने हमारे बॉर्डर के स्कूल बंद रहते हैं, आए दिन फायरिंग होती है, जब बम पड़ा और बच्चे को ये नहीं पता होता मेरी किताब पाँव के नीचे है, फट गई है, पानी में है, कहाँ है कहाँ, ये दिखते आए दिन, चाहे हमारे किसान है चाहे हमारा मजदूर है, हर इंसान वो सहन करता और हमारे बच्चों के जहन में बैठ जाता है बम, बम उनको ऐसे बोलना आता है, किताब बाद में पढ़नी आती है, बम पहले बोलना। हमने ये भी देखा है कि जो कम्युनिटी बैंकर जो बने हुए थे लोगों की जान बचाने के लिए या स्कूलों के अंदर बने थे, उनके अंदर भी पानी भरा हुआ है। देखिए मेरी पंचायत में जो कम्युनिटी बैंकर बने हैं उनमें ऐसा नहीं है, हाँ एक दो जगह कहीं है जहाँ पे कोई जमीन ही ऐसी पानी वाली थी वहां मैं कह सकता हूँ, लेकिन बाकी हायर सेकेंडरी स्कूल भवानी में बैंकर बना, क्योंकि हमने पूरी निगरानी से